हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाबा पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश जेल पुलिस भर्ती संबंधी आवश्यक जानकारी लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ में बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश जेल पुलिस में माह अक्टूबर में आने वाले पदों की विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट www.upprpb.gov.in पर तथा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2016 में बोर्ड द्वारा निर्गत विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए उपरोक्त 5419 पदों को भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन माह अक्टूबर 2018 में आमंत्रित किए जा सकते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोस्तों, आइए आप कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट की डिटेल बताते हैं। पहली पोस्ट है कांस्टेबल हॉर्स राइडर की, जिसमें जनरल के लिए 51 है, एससी के लिए 21 है और एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 28 सीट्स हैं। टोटल आपकी 102 पोस्टें हैं। इसके साथ ही अगले के लिए बता रहे हैं, अगली पोस्ट है आपकी फायरमैन की, जिसमें जनरल के लिए 841, एससी के लिए 352, एसटी के लिए 33, ओबीसी के लिए 453, टोटल 1679 पोस्ट हैं। इसके बाद अगली पोस्ट है आपकी जेल वार्डन, जिसमें दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल। आइए पहले मेल के बारे में बताते हैं, जिसमें जनरल के लिए 1507, एससी के लिए 632, एसटी के लिए 60, ओबीसी के लिए 813, टोटल 3012 हैं। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं फीमेल के बारे में, जिसमें जनरल के लिए 314, एससी के लिए 131, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 169, टोटल 626 सीट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं इसके लिए एज का क्या क्राइटेरिया है। एज लिमिट एज ऑन 1/7/18 से गणना की जाएगी, जिसमें मेल के लिए 18 से 22 के मध्य का जन्म होना चाहिए और फीमेल के लिए 18 से 25 के मध्य। नोट, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2016 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन किया था और वर्तमान समय में आयु सीमा से बाहर यानी ओवर एज हो गए, उनकी आयु की गणना को शिथिलता बरती जाएगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, आइए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं जेल वार्डन की। जेल वार्डन के लिए मेल के लिए क्या है, मेल के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर, चेस्ट यानी सीना है 79 से 84 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर। अगली पोस्ट है फायरमैन। फायरमैन के लिए मेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, वो है 160 सेंटीमीटर, चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट है 147 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कांस्टेबल हॉर्स राइडर के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट है और चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आवेदक की फीस का क्या है, आइए फीस के बारे में बताते हैं। जिसके आवेदन फीस सभी जाति और वर्ग के लिए ₹400 निर्धारित की गई है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2016 में आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों को मात्र ₹200 आवेदन फीस दे होगी, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक में जमा की जा सकती है। दोस्तों, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 2016 में आवेदन नहीं किया गया है तो उसे फीस के तौर पर ₹400 जमा करने होंगे। यदि पहले से आवेदन 2016 की विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन कर चुका है अभ्यर्थी तो उसके लिए ₹200 निर्धारित है। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। भर्ती में सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद दस्तावेजों की समीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं अंतिम योग्यता सूची फिर जारी की जाएगी। आगे प्रमाण पत्र संबंधी आपको जानकारी देते हैं। पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक
निर्गत होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि या इससे पूर्व निर्गत होना चाहिए। दोस्तों, यह थी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस जेल पुलिस से संबंधित आवश्यक जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। इसके साथ ही इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी हमें उपलब्ध होगी उसके आधार पर किस प्रकार से फॉर्म भरा जाए इससे संबंधित वीडियो हम आपको आने वाले समय में जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को देखते रहिए,